नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की इतिहास किताब का चौथा अध्याय, क्या बताती है हमें किताबें, और कब्रें, यानी इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण किताबों और कब्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम विशेष तौर से ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, उसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप के भाषा परिवार और ऋग्वेदकालीन लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में एक, जैसा कि आप जानते होंगे, वेद 4 प्रकार के होते हैं। उनमें पहला है ऋग्वेद, दूसरा साम वेद, यजुर्वेद और थर्ववेद। इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन है वो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है। सबसे पुराना, लगभग 3500 साल पहले इसकी रचना हुई। ये जो ऋग्वेद है, इसकी रचना आज से लगभग 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिनको सूक्त भी कहा जाता है। ये जो ऋग्वेद की प्रार्थना है, इनको सूक्त कहा जाता है, और इस सूक्त शब्द का अर्थ है वो, इस सूक्त शब्द का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया है। यानी जो ऋग्वेद की प्रार्थनाएं हैं, उनको सूक्त कहा जाता है, और इस सूक्त का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया है। इस ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचनाएं की गई। ये जो प्रार्थनाएं हैं, इनकी रचना है वो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में की गई है। तीन देवता महत्वपूर्ण थे उस समय के, जितने भी देवी देवता थे उनमें से तीन देवता है वो महत्वपूर्ण थे। उसमें पहला था अग्नि, जिसको आग का देवता माना जाता, उसके बाद इंद्र, इंद्र को युद्ध का देवता, और तीसरा था सोम। सोम एक प्रकार का पौधा भी था, जिससे एक खास पेय रस बनाया जाता था। उसके बाद वैदिक प्रार्थनाओं की रचना, ये जो वैदिक प्रार्थनाएं थी, लगभग 1000 वैदिक प्रार्थनाएं थी, उनकी रचना है वो ऋषियों द्वारा की गई। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों व वाक्यों में बांट कर उनका सहस्वर वाचन करवाते और इन्हें कंठस्थ करवाते हैं। अधिकांश सूक्तों या प्रार्थनाओं के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। इनके रचनाकार या रचयिता थे वो सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। सीखने वालों में विद्यार्थी या शिष्य आते, और सिखाने वालों में आचार्य या ऋषि मुनि आते हैं। कुछ एक प्रार्थना ऐसी मिली है जिनकी रचनाएं महिलाओं द्वारा भी की गई है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृति है। वर्तमान में हम जो संस्कृत भाषा पढ़ते हैं, उससे ये प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है वो काफी भिन्न थी। ऋग्वेद का उच्चारण एवं श्रवण किया जाता है, यानी ऋग्वेद के जितने भी सूक्त या प्रार्थनाएं थी, उनका ऋषि या आचार्य वो उच्चारण करते और शिष्य होते वो उनको सुनते हैं, और फिर वापस शिष्य इनका उच्चारण करने का प्रयास करते और इनको कंठस्थ करते, यानी इनका उच्चारण या एवं श्रवण किया जाता है। इसे छापने का काम लगभग 200 साल पहले शुरू हुआ। इससे पहले ये ज्यादातर तो पांडुलिपि में लिखी जाती है। कंठस्थ आचार्य होते वो अपने विद्यार्थियों को सिखाते, और विद्यार्थी फिर आगे विद्यार्थियों को सिखाते, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये ऋग्वेद है वो चलता रहा। ऋग्वेद में मवेशियों में पालतू जानवर आते हैं, जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस आदि। बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में जितनी भी प्रार्थनाएं, उनमें ज़्यादातर प्रार्थनाएं मवेशियों, बच्चों व घोड़ों की प्राप्ति के लिए हैं। लड़ाइयाँ, ऋग्वेद में वर्णन किया गया है कि लड़ाइयाँ हैं जो ज़्यादातर मवेशी, जमीन, चारागाह, पानी के स्रोत आदि के लिए होती थी। उस समय की जो भी लड़ाइयाँ होती, उनको उनका मुख्य कारण होता मवेशी, जमीन, चारागाह, पानी के स्रोत। कोई स्थायी सेना नहीं थी उस समय, ऋग्वेदी काल में कोई स्थायी सेना नहीं थी। बहादुर और कुशल योद्धाओं को सरदार के रूप में चुना जाता था, यानी जो बहादुर और युद्ध कौशल में निपुण थे, उनको सरदार के रूप में चुना जाता है। कश्मीर में ऋग्वेद की पांडुलिपि भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी मिली है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को छापने के लिए इनका उपयोग किया गया, यानी जो पांडुलिपि है जो भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है, इनका उपयोग है वो आज से लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को छापने, यानी कागज पर छापने के लिए इनका उपयोग किया गया। और यह पांडुलिपि, ये जो पांडुलिपि है, वर्तमान में पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित मिली है।
संस्कृत एवं अन्य भाषाएं। तो ऋग्वेद की जो भाषा थी वो प्राक संस्कृत थी, और उसके साथ और कौन कौन से समय की भाषाएं थी। ऐसी भाषाओं को एक साथ सम्मिलित किया जाता है जिसमें उच्चारण व लेखन में कुछ समानताएं होती है। तो हम देखते हैं संस्कृत है वह भारोपीय है, संस्कृत भाषा है वो भारोपीय भाषा, जिसको भारत और यूरोपीय क्षेत्र की है जो भाषा है उसका भाषा परिवार है, भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा भी कुछ भारतीय भाषाएं जो इस भारोपीय परिवार का हिस्सा है, तो उसमें पहली है असमिया, दूसरी गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि। ये भाषाएं भी भारोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। इन भाषाओं में आरंभ में इनके शब्द लगभग एक जैसे थे। उदाहरण के रूप में मात्र, संस्कृत में माँ को मात्र कहा जाता है और हिंदी में माँ और अंग्रेजी में मदर। तो हम अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो इसका जो उच्चारण है वो माँ से शुरू हो रहा है, यानी इनमें कुछ उच्चारण की समानताएं पाई जाती हैं। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में तिब्बत बर्मा भाषा परिवार की कुछ भाषाएं बोली जाती है जो पूर्वोत्तर प्रदेशों में बोली जाती हैं। अगला है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं उनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आदि भाषाएं आती हैं। और अगला है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं को मुख्य रूप से भारतीय भाषा परिवार, तिब्बत बर्मा भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के रूप में विभाजित किया जाता है। अब हम जानते हैं ऋग्वेद में लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्द, लोगों का जो वर्गीकरण है वो काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। काम के आधार पर वर्गीकरण, काम के आधार पर जो वर्गीकरण था उसमें सबसे पहला था पुरोहित, जिसे ब्राह्मण भी कहा जाता, और इनका मुख्य कार्य था यज्ञ और अनुष्ठान आदि करवाना। पुरोहितों का मुख्य कार्य था यज्ञ, अनुष्ठान आदि करवाना। और काम के आधार दूसरा वर्ग था राजा। राजा के पास उस समय न तो राजधानी थी, न महल थे, न स्थायी सेना, और न ही किसी प्रकार का कोई टैक्स लिया जाता राजा के द्वारा, और न ही जो राजा का पद था वो वंशानुगत था। आगे आने वाले शासकों में हम देखेंगे कि वहाँ पर ये जो पद है वो वंशानुगत हो जाता है, लेकिन ऋग्वेदिक के समय में ये जो राजा का पद है वो वंशानुगत नहीं होता। इसके अलावा जनता या पूरे समुदाय के लिए दो और शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें जन व विश थे, और इसी विश शब्द से आगे वैश्य शब्द निकला था। आगे हैं ऋग्वेद में पुरुजन, इन दोनों समुदायों के आधार पर ही ऋग्वेद में पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विषादि शब्द बार बार आते रहे हैं। प्रार्थनाओं की रचना, कभी कभी खुद ऋग्वेद की प्रार्थना है उनकी रचना करने वाले कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, तथा विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते, यानी जो ऐसे लोग जो यज्ञ नहीं करते उनको दस्यु कहा जाता था, और शायद दूसरी भाषाएं बोल देते हैं कि जो दस्यु लोग थे ये न तो यज्ञ करते, और जो उस समय की प्रचलित भाषा थी संस्कृत तो उसका भी नहीं बोलते और कोई दूसरी भाषाएं बोलते होंगे। दास वे स्त्री या पुरुष होते थे, यानी जो शब्द आए हैं दास, दास ऐसे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, यानी युद्ध के समय दूसरे शासक के जितने भी सैनिक या लोग थे उनको जब बंदी बना के रखा जाता तो वो विजित शासक के दास कहलाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम इस पाठ के दूसरे भाग के बारे में अध्ययन करेंगे, इसलिए उस वीडियो को देखना ना भूलें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।